सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले मीठे चावल और इसे मैं बनाऊंगी कुकर में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मीठे चावल बनाने के लिए देख लेते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो एक गिलास मैंने बासमती चावल लिए हैं, बासमती चावल से ही आप इसे बनाएं। ये ग्राम में है 250 ग्राम, और चावल जब बनाने लगे तो उससे आधा घंटा पहले इनको आपने भिगोना है। और साथ में मैंने गुड़ लिया है, ये भी लिया है 250 ग्राम, सेम क्वांटिटी में आपने लेने दोनों को। और पानी लिया है मैंने 2.5 गिलास, जिस गिलास से नाप कर आप चावल लें उसी से नाप कर आप 2.5 गिलास पानी ले लें। हम मीठे चावल बना रहे हैं, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, सूखा नारियल लिया है, किशमिश, काजू, बादाम लिए। तो ड्राई फ्रूट्स की आप क्वांटिटी देख लें, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है देसी घी, तो देसी घी इसमें लगेगा 2 से 3 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। और सौंफ लेनी है आपने 1 टीस्पून, 3 हरी इलायची लिए मैंने और 4 ली हैं लौंग, और 2 स्टिक लिए मैंने दालचीनी की, छोटी छोटी स्टिक है, अगर आपके पास बड़ी स्टिक हो तो आप एक ही ले लें। सबसे पहले तो गुड़ को नाइफ से थोड़ा सा काट लूँगी, चाहे तो आप इसे तोड़ लें या फिर ऐसे ही इसको पिघला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पीस नहीं हैं। तो एक पैन मैंने ले लिया, इसमें डाल देंगे गुड़ और साथ में डालना है पानी। तो जो हमने 2.5 गिलास पानी लिया उसी में से ही डालेंगे, टोटल वही पानी हमने यूज़ करना है। तो आधे से 1 गिलास तक पानी इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। गुड़ को हम इसलिए मेल्ट करते हैं जिससे कि अगर गुड़ में कोई इम्प्योरिटी हो तो उसे हम निकाल सकें। वैसे आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ ले लें तो आजकल उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो अब ये देखें गुड़ हो गया मेल्ट, तो गैस को कर देंगे बंद और इसे अभी हम ठंडा होने देंगे। अब चावल को मैं बना रही हूँ कुकर में, तो मैंने कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे सबसे पहले देसी घी। घी गर्म हो गया तो सौंफ डाल देंगे, सौंफ का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस चावल में। अब डालेंगे इलायची, तो इसे आगे से मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, साथ में ही डाल देंगे लौंग और दालचीनी। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इनका। अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, किशमिश जो है थोड़ी सी फूल भी गई है, बस इतना ही फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे चावल, चावल में से मैंने पानी निकाल लिया है, इसको मिला लेंगे। और चावल को अभी हम घी में थोड़ा सा भून लेंगे, इसे हमने हल्का सा भूनना है और हल्के हाथ से भूनना है, क्योंकि चावल हमारे जो हैं भीगे हुए हैं तो वो टूटे ना, इस तरह से भून लेंगे। और अब इसमें मिला देंगे गुड़ का पानी, जो हमने गुड़ को मेल्ट करके रखा हुआ है उसको छान कर मिलाएंगे। अब जो बाकी का पानी बचा हुआ है उसको भी इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद जब चावल में बॉईल आ जाएगा तभी हम कुकर को बंद करेंगे, और कुकर को बंद करके हम तेज गैस में इसमें 2 विसल लगवा लेंगे, और विसल आने के बाद गैस को सिम करके 10 मिनट तक इसे सिम गैस पर पका लेंगे। फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसमें से हवा निकल जाएगी तब इसे हम खोल लेंगे। अब कुकर ठंडा हो गया, इसमें से हवा निकल चुकी है, तो इसको खोल लेते हैं। कुकर को खोलते ही इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, और ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से गल भी गए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मीठे चावल अच्छी तरह से गलते नहीं हैं, यानी कि जब हम गुड़ डालकर चावल पकाते हैं तो अच्छी तरह से गलते नहीं हैं, उसमें कनी रह जाती है, पर ऐसा नहीं है, चावल बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। तो ये मैंने गुड़ वाले चावल को सर्व कर लिया है, तो देखिए कितने खिले खिले बने हुए हैं, आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।